हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 34 साइज का 4 टक्स ब्लाउज का परफेक्ट पेपर कटिंग बताऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये पेपर लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। तो ये ओपन वाली साइड है और ये फोल्डेड वाली साइड, और हम आगे और पीछे दोनों साइड एक साथ ही कट करेंगे। तो इससे पहले हम इसका पूरा मेजरमेंट देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उसका पूरा मेजरमेंट है। तो चलिए अब इसकी मार्किंग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमें एक इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ पे ब्लाउज की जो रेडी नाप है उसके लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 13.5 इंच का रेडी नाप है, तो एक इंच मार्किंग का एड करते हुए हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर लेके, तो जो हमारा शोल्डर है वो है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का आधा होगा 5.25 इंच। तो इस तरह से हम 5.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 5.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी जो चेस्ट की साइज है वो 34 इंच है, तो 34 इंच का फोर्थ पार्ट होगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है 1.5 इंच, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब नीचे की तरफ हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर का नाप है 28 इंच, तो 28 का हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो आएगा 7 इंच। एक इंच हम पीछे के टक्स के लिए लेंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हम इस निशान से इस निशान को स्केल की हेल्प से इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें इस तरह से 1.25 इंच पे, यानी 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से हमें आर्म होल की शेप दे देनी है। तो ये मैंने आर्म होल की शेप दे दी। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। अब नीचे की तरफ हमें टक्स के लिए चाहिए 2 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी। तो यहाँ से ये जो फोल्डेड साइड है, तो यहाँ से भी हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट कट कर लिए। अब हमें इस वाले साइड पे रखना है, और पहले इस पार्ट में जो जो फ्रंट वाला हमने 1 इंच बढ़ाया था इसको हमें कट कर लेना है। हमने कट कर दिया, और यहाँ पे भी हमने फ्रंट के लिए जो 2 इंच और ऊपर 1/2 इंच बढ़ाया था उसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा बैक साइड का ड्राफ्टिंग हो गया। अब हमें गले के लिए और पीछे के टक्स के लिए निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले हम गले की चौड़ाई यहाँ पे लेंगे 2.25 इंच, और नीचे की तरफ हम लेंगे 10 इंच, और यहाँ से चौड़ाई लेंगे 3 इंच। और यहाँ से इस तरह राउंड शेप दे देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे शेप दे दिया। अब हम पीछे टक्स के लिए निशान लगाएंगे।
तो यहाँ पे आपने जितना डोड़ी 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था वहां से मेजर टेप को इस तरह से रखना है और इसका हाफ हमें इस तरह ले लेना है और यहाँ पे हम एक इस तरह से निशान लगा देंगे। अब ऊपर की तरफ हमें 4 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से और यहाँ दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच इस तरह से निशान लगाना इस तरह से। तो ये हमारा पीछे का पूरा ड्राफ्टिंग हो गया रेडी। अब हम फ्रंट के लिए निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ फिर से हमारा जो फ्रंट पेपर कट किया था उसे ले लेना है। अब यहाँ पे हमें इस तरह 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, यहाँ से भी 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे जितना हमने छोड़ा था और इस तरह से फिर से बॉक्स बना देंगे। तो ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब हम यहाँ अंदर की तरफ 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच। अब इस निशान को इस तरह से हमें, तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल आएगा, तो इसे हम कट कर देंगे। तो ये मैंने फ्रंट आर्म होल कट कर दिया। अब हम यहाँ पे गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ भी हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, गले की लेंथ लेंगे 6.5 इंच, यहाँ भी गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच, एक बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो ये मैंने राउंड शेप दे दिया। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बर्थ पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए यहाँ पे 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा बर्थ पॉइंट आया। अब यहाँ साइड से हमें लेना है 4 इंच और यहाँ पे ये हमारा आ गया बर्थ पॉइंट। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें लेना है 1 इंच, यहाँ भी हमें नीचे की तरफ लेना है 4 इंच और इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच और यहाँ से भी हमें लेना है 1.5 इंच। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे लेना है 2 इंच इस तरह से। अब इन निशानों को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमें जो टक्स लगाना है तो नीचे की तरफ हम 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस निशान को मिला देंगे। यहाँ पे हमें क्रॉस में मिला देना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे कितना टक्स लगाना है इसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ लगाएंगे 1-1 इंच का और इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे हमें लेना है 1.5 इंच दोनों तरफ। यहाँ पे हमें बिल्कुल इतना ही लेना है, एक पैर की सिलाई जितना। और यहाँ पे भी हम लेंगे 1.5 इंच। तो ये हमारी फ्रंट की मार्किंग भी हो गई। अब हमें यहाँ पे एक चेंजेस लेना है। तो जब भी हम ये साइड प्लेट्स भरेंगे इस तरह से कपड़े में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इतना फैब्रिक बाहर की तरफ आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स लेके ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम पहले इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम जो ये टक्स के लिए निशान लगाया था
उसी को कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ गले को भी कट कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए यहाँ पे हमने ये जो बचा है उसी में हम स्लीव भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे स्लीव की लेंथ है 5 इंच और 1 इंच में मार्जिन का ऐड करते हुए 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाओगे। अब इस निशान को हमें इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ से हमें जो स्लीव है उसको डाउन करना है 3 इंच पे। तो इस तरह से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और इसे भी हमें इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ हमारा जो आर्म होल है वो है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच का आधा होगा 6.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.25 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे जो बॉटम है वहाँ पे है 5.5 इंच और यहाँ भी हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब यहाँ से हम स्लीव की शेप दे देंगे। तो ये वाली हमारी बाहर की स्लीव होगी और ये वाली अंदर का आर्म होल की होगी। तो अब हम इसे कट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो बाहर वाला आर्म होल है उसे कट करना है। यहाँ पे सेंटर मार्क कर लेंगे। अब स्लीव को यहाँ से खोल देंगे और ये जो अंदर वाला आर्म होल है उसे भी हम कट कर लेंगे। ये है हमारी स्लीव की कटिंग, ये हमारी फ्रंट की कटिंग और ये हमारी बैक की कटिंग। गला हम बाद में कोई भी डिफरेंट बनाना चाहे तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये गला कट नहीं किया। आप चाहे तो आप कट कर सकते हैं। अब इसे फैब्रिक पे रख के हमें किस तरह से कट करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अस्तर की ये वाली फोल्डेड साइड है और ये ओपन वाली साइड है। अब हमें यहाँ पे पेपर को किस तरह रखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये फोल्डेड साइड पे बैक साइड रखी हुई है। यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेना नहीं है। यहाँ पे ये मैंने फ्रंट साइड रखी है। फ्रंट में भी हमें सिर्फ यहाँ पे हुक और आई पट्टी के लिए यहाँ पे आप जितना भी मार्जिन लेते हो उतना आपको यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन ऐड किया है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेना है और यहाँ नीचे की तरफ हमारी इस तरह से स्लीव आ जाएगी। आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।